दो पक्षों में गोली चली, दो मरे दो घायल। प्रयागराज ब्यूरो खुल्दाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आज दोपहर करीब 2 बजे के आसपास लकड़ी मंडी के पास एक गली में होली खेली जा रही थी। इसी बीच गली के ही दो पड़ोसियों दुर्गेश चौहान और विनोद चौहान के पक्षों में गाली गलौज, विवाद और फायरिंग की घटना हुई, जिसमें एक पक्ष से विनोद चौहान, रानी चौहान और चिंटू चौहान को चोटें आई हैं, दूसरे पक्ष से दुर्गेश चौहान घायल हुए हैं। अचानक हुई इस घटना की सूचना पर तत्काल सीओ सिटी, एसपी सिटी में फोर्स पहुंचे, मेरे द्वारा भी मौका मुआयना किया गया। अस्पताल पहुंचने पर दुर्गेश चौहान और विनोद चौहान की मृत्यु हो गई तथा दो अन्य घायलों को, रानी चौहान और चिंटू चौहान का इलाज जारी है, वे दोनों खतरे से बाहर हैं। प्रकरण में तहरीर प्राप्त की जा रही है। दोनों पक्षों के बीच पूर्व में किसी रंजिश की बात अब तक प्रकाश में नहीं आई है। मुकदमा दर्ज कर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह प्रकरण थाना खुल्दाबाद जिला प्रयागराज का है। इसमें दोपहर में करीब 2 बजे के आसपास लकड़ मंडी इलाके के पास एक गली में, जहां पे दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान के घर हैं, आसपास पड़ोसी हैं, उसी गली में होली खेली जा रही थी। दुर्गेश सिंह चौहान और विनोद सिंह चौहान पक्ष में गाली गलौज हुआ, वाद विवाद, मारपीट, फायरिंग हुई। इस फायरिंग में दुर्गेश सिंह चौहान को गोली लगी, विनोद चौहान को गोली लगी। विनोद चौहान की बहन रानी चौहान के पैर में चोट आई और साथ ही एक चिंटू चौहान के भी पैर में चोट आई। इस सूचना पर तत्काल भारी संख्या में पुलिस बल सीओ सिटी और एसपी सिटी के नेतृत्व में मौके पर पहुंचा। उसके बाद दौरान इलाज और इस प्रक्रिया में दुर्गेश सिंह चौहान की मृत्यु हो गई, दूसरे पक्ष से विनोद सिंह चौहान की भी मृत्यु हो गई। रानी चौहान और चिंटू चौहान का इलाज चल रहा है, वो खतरे से बाहर हैं। इस पूरे प्रकरण में दोनों पक्षों से तहरीर ली जा रही है। दोनों डेड बॉडीज़ को मोर्चरी भिजवा दिया गया है ताकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर मौत का सही कारण पता चल सके और अन्य साक्ष्य मिल सके। दोनों पक्षों से तहरीर प्राप्त की जा रही है, दोनों पक्षों का ही तत्काल मुकदमा दर्ज किया जाएगा। जो भी तथ्य तहरीर में लिखे जाएंगे, जो भी नामजद आरोपी होंगे, सभी को हिरासत में लेकर सभी तथ्यों पर गहराई से विवेचना करके साक्ष्य हासिल किए जाएंगे और सभी मामलों में कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। शुरुआती पूछताछ में बात सामने आई कि दोनों के बीच में पहले कोई रंजिश नहीं थी, पूरी घटना अकस्मात हुई है। शराब के नशे में भी बहुत सारे लोग बताए गए हैं, इस कारण से ये घटना हुई है। फिर भी इसके बारे में एसपी सिटी से रिपोर्ट तलब की गई है कि इस पूरे प्रकरण की रिपोर्ट दें। यदि अन्य किसी की संलिप्तता सामने आती है, किसी का दोष परिलक्षित होता है, तो उसके भी खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल अभी तहरीर लेने की प्रक्रिया जारी है, तहरीर के बाद मुकदमा दर्ज करके वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा।